हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा मशीन से है। तो आज हम जानेंगे टेंसिल के बारे में, ठीक है फ्रेंड। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, इस जगह टेंसिल है। तो मशीन में आपने पूरी सेटिंग कर ली है, फिर भी आपकी सिलाई सही नहीं हो रही है। सिलाई आपकी ढीला ढीला हो रही है, नीचे से भी ढीला हो रही है ना। आपने हर सेटिंग कर लिया है, फिर भी आपकी सिलाई एकदम खराब आ रही है। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस टेंसिल को आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस जगह देखिए, ये नट है, इस नट को खोल लीजिएगा। पहले से मैंने खोल के इसे रखा था आप सभी को दिखाने के लिए। इस नट को आपको खोलना है। इसमें जो ये स्प्रिंग लगी है, इस स्प्रिंग को भी खोलेंगे, और खोलने के बाद इस प्लेट को आप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इस जगह, इसमें जो जंग देख रहे हैं, हल्का हल्का जो जंग लगी हुई है फ्रेंड। तो क्या होता ना, किसी किसी में इतना ज़्यादा लगी रहती है ना कि धागा से घिसने के कारण कहीं आपका ये ऊंचा हो जाएगा और कहीं ये नीचा हो जाएगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमारी मशीन में होती है। तो इस प्लेट को खरीदने जाएंगे तो ये प्लेट तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। आप जितना भी कोशिश कर लो, अगर सिर्फ आप इस प्लेट को खरीदेंगे तो ये प्लेट आपको मिलने से रही, तो आपको ये पूरी टेंसिल ही खरीदनी पड़ेगी। इस टेंसिल का आपको ज़्यादा दाम नहीं है, वैसे इसका दाम 35 या 40 रुपीज़ होगी, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसे लगाने का भी तो मैं तरीका बता दे रही हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, एक प्लेट को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और दूसरे को हम फिर से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमें इस तरह से इसमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये जो नट है, इस नट को हम इसमें टाइट करेंगे। नट को हम उतना टाइट करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। हालांकि इसे मैं हाथ में टाइट कर रही हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप इसे मशीन में सेट करेंगे तो आप धागा को अपने तरफ खींच के देखिएगा। अगर धागा हल्का सा टाइट है तो सेटिंग परफेक्ट है, ठीक है। और नहीं तो आप सिलाई करके चेक कर लीजिएगा। नीचे की सिलाई अगर ख़राब आ रही तो इसे और टाइट कीजिएगा, फिर भी ख़राब आ रही तो हल्का सा और टाइट कर दीजिएगा, और अगर फिर भी सही नहीं हो रही तो आपको थोड़ा सा और कर दीजिएगा, तो आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे टाइट कर दिया। अब बात यहाँ अब ये उठती है कि इसे हम लाएंगे तो चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको मार्केट में जाना है, टेंसिल ले लेना है। आपको 35 से 40 रुपए में आ जाएगी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसे सेट कैसे करेंगे, देखिए, इसमें तो स्प्रिंग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेंसिल में स्प्रिंग नहीं है, पर कोई कोई मशीन में स्प्रिंग होती है। ये बहुत पुरानी मशीन है फ्रेंड, इसलिए इसमें स्प्रिंग नहीं है इस टेंसिल में, ठीक है। पर हर टेंसिल में स्प्रिंग आती है, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग भी लूज हो जाता है। आप जितनी भी सेटिंग कर लो उससे भी आपकी सिलाई नीचे की खराब ही आती है, तो उस कंडीशन में आपको स्प्रिंग भी नहीं मिलने वाली है, तो आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इसे सेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस जगह देख सकते हैं, ये दो नट है, ठीक है। नट मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, देखिए इस जगह दो नट है। तो ये छोटी वाली नट को आपको क्या करना, इसे हल्का सा टाइट करेंगे ना, लूज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका जो टेंसिल है ये खुल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, इसे तो हमने लूज करके खोल लिया, अब इसे हमें टाइट करना है। तो इसे हम इस तरह से देखिए, पहले हम डाल लेंगे, इसे हमने अच्छे से डाल लिया, हल्का सा उंगली से इसे पुश करेंगे, ठीक है। और पुश करने के बाद इस नट को हम टाइट कर देंगे, देखिए इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए नट हमारा टाइट हो चुका है। तो बस ये छोटी वाली नट को आपको इसे हल्का सा खोलना है, और फिर इसे सेट करने के बाद इसे आपको टाइट कर लेना है। ये तो हमारी छोटी मशीन की प्रॉब्लम हुई, बड़ी मशीन में आपका इस साइड होगा, ठीक है, ये टेंसिल आपका इस साइड होगा। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड, आपको ये प्लेट खोलना होगा, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ, ये प्लेट को आप जब खोलेंगे तो साइड में, इस साइड में नट होगा, ठीक है, और उसी नट को आपको लूज करके इसे फिक्स करना है, और फिर से आपको नट को टाइट कर देना है, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना है फ्रेंड कोई चार्जेस नहीं है, और ज़रूरतमंदों को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं मशीन की और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।